हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन अर्हेनियस इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट्स, जो केमिकल रिएक्शन का रेट होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे केमिकल रिएक्शन का रेट जो है वो इंक्रीज होता है। ऐसा सभी केमिकल रिएक्शंस के लिए हमें देखने को मिलता है। सभी केमिकल रिएक्शंस का जो रेट होता है वो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ इंक्रीज होता है। एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता लगा, एक्सपेरिमेंट से एक हमने जनरल रूल निकाला और हमने ये देखा कि जो केमिकल रिएक्शन का रेट होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर डबल हो जाता है। और इवन ऐसी केमिकल रिएक्शंस भी हमें देखने को मिली हैं कि जिनमें अगर हम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो 3 times हो जाता है। मान लीजिए स्टूडेंट्स, आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें हमारे पास दो रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं सी। हम मान लेते हैं कि T डिग्री सेल्सियस पर इस केमिकल रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो है K, और T+10 डिग्री सेल्सियस पर जब हम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देंगे तो टेम्परेचर हो जाएगा T+10 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो रेट कांस्टेंट होगा वो हम मान लेते हैं वो होगा K T+10। तो ये जो रेट कांस्टेंट था उसको हम KT से डिनोट कर देते हैं। ये है रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस, और ये है इस केमिकल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट KT+10 एट टेम्परेचर T+10 डिग्री सेल्सियस। तो जब हमने इन दोनों रेट कांस्टेंट्स का रेशो निकाला एक्सपेरिमेंटली, तो ये हमें देखने को मिला कि ये जो रेट कांस्टेंट्स का रेशो होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 2 or 3 निकल के आता है। मींस अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं तो केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो डबल या फिर ट्रिपल हो जाता है। और इन दोनों रेट कांस्टेंट्स को के रेशो को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। जो अर्हेनियस इक्वेशन थी, जो अर्हेनियस सर ने 1889 में दी थी, वो हमें एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देती है बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। उसी अर्हेनियस इक्वेशन को आज हमें स्टडी करना है, और हम ये भी देखेंगे कि कैसे हम अर्हेनियस इक्वेशन का यूज़ करके एक्टिवेशन एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर ये टॉपिक आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहाँ से स्टार्ट करके आएंगे। आइए अब वो देख लेते हैं। द रेट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सभी केमिकल रिएक्शंस का जो रेट होता है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज होता है। ये जो रिजल्ट है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर केमिकल रिएक्शंस का रेट जो है वो इंक्रीज होगा, ये कोलिजन थ्योरी से हमें देखने को मिलता है। एक्चुअली जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा संख्या में आपस में कोलाइड करते हैं और उतना तेज़ी से आपका प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होता है। इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ता ही बढ़ता है। अ जनरल अप्रॉक्सीमेट रूल इज़ दैट द रेट ऑफ मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस बिकम्स डबल और इवन ट्रिपल फॉर एवरी 10 degree राइज इन द टेम्परेचर। जब हमने डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म की लैब में, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए, तो हमें ये देखने को मिला कि सभी केमिकल रिएक्शंस का जो रेट होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर डबल या फिर कई रिएक्शंस में वो ट्रिपल भी हो जाता है। द रेशो ऑफ द रेट कॉन्स्टेंट्स ऑफ अ रिएक्शन एट 2 different टेम्परेचर्स डिफरिंग बाय 10 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम एक रिएक्शन कंसिडर करें, ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट सी, तो मान लेते हैं कि इस केमिकल रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है टी डिग्री सेल्सियस पर वो है हमारे पास केटी, और अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो टेम्परेचर हो जाएगा T+10 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर जो इसका रेट कांस्टेंट होगा वो होगा KT+10। तो हमने यहाँ पर 2 temperatures कंसिडर किए हैं जो 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस रख रहे हैं आपस में। तो इस केस में जो हमारे रेट कांस्टेंट्स होंगे उनका जो रेशो होगा वो कहलाया जाएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट की डेफिनेशन क्या होगी, ये होगा हमारे पास रेट कांस्टेंट एट T+10 डिग्री सेल्सियस एंड डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेल्सियस। तो 2 temperatures लेने हैं आपने जिनमें 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हो, और उन 2 temperatures पर जिनमें 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है तो उस केस में जो रेट कांस्टेंट्स होंगे उनका अगर हम रेशो निकालें
तो उसे हम बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशेंट। टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पर जो रेट कांस्टेंट होगा उसे हम डिनोट कर रहे हैं के टी प्लस 10 से, और जो हमारे पास टी डिग्री सेल्सियस पर जो रेट कांस्टेंट होगा उसे हम डिनोट कर रहे हैं के टी से। इन दोनों रेट कांस्टेंट्स का जो रेशो आता है, मींस जो टेम्परेचर कॉफिशेंट निकल के आता है मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस के लिए, वो या तो 2 निकल के आता है या फिर 3 निकल के आता है, जो कि हमें ये शो करता है कि जो रेट है केमिकल रिएक्शंस का वो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर या तो डबल हो जाता है या फिर ट्रिपल हो जाता है। वेयर के टी एंड के टी प्लस 1 आर द रेट कॉन्स्टेंट्स ऑफ अ रिएक्शन एट टी डिग्री सेल्सियस एंड टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पर के टी है रेट कॉन्स्टेंट रिएक्शन का टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, के टी प्लस 1 है हमारे पास रेट कॉन्स्टेंट सेम रिएक्शन का टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गया कि जो रेट है केमिकल रिएक्शन का वो टेम्परेचर बढ़ाने पर किस तरह से वेरी करता है। इसके बाद हम स्टडी करेंगे एरहीनियस इक्वेशन, जो हमें रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर के बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देती है। ये हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं एरहीनियस इक्वेशन के बारे में। इन 1889 एरहीनियस गेव द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर टी एंड रेट कांस्टेंट के, द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एरहीनियस इक्वेशन। 1889 में एरहीनियस सर ने हमें एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया बिटवीन टेम्परेचर टी एंड रेट कांस्टेंट के, और इसी एक्सप्रेशन को बोला गया एरहीनियस इक्वेशन, जो कि कुछ इस प्रकार से होती है के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, जहाँ पर के रेट कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, आर है यहाँ पर गैस कांस्टेंट, ए क्या है, ए जो है वो एक्सपोनेंशियल के आगे लगा हुआ है, इसलिए ए को हम बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, या फिर इसको हम एरहीनियस कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। यहाँ पर ये है एक्टिवेशन एनर्जी, ये जो हमारे पास टर्म है ये वाली, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, द फैक्टर ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी गिव्स द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी ई ए। ये जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, ये हमें वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स देगा जिनकी एनर्जी या तो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होगी या फिर एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक रिएक्शन है, मान लीजिए ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट सी। रिएक्टेंट ए के भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, रिएक्टेंट बी के भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, बट इनमें से ऐसे कुछ ही मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होगी या फिर उससे ज़्यादा होगी। अगर इन दोनों मॉलिक्यूल्स को, इन दोनों रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को आपस में अफेक्टिवली रिएक्ट करना है ताकि हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो सके, ताकि हमारी रिएक्शन कैरी आउट हो सके, तो इनके मॉलिक्यूल्स के पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, तभी रिएक्शन कैरी आउट हो पाएगी, तभी हमारा प्रोडक्ट बन पाएगा, और उस एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अगर हमारे पास इन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से कम हुई तो रिएक्शन जो है वो कैरी आउट नहीं होगी, ना ही हमारा प्रोडक्ट जो है वो सी फॉर्म होगा। तो यहाँ पर इन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है या तो वो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होनी चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए, और कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है हमारे पास वो हमें इस एक्सपोनेंशियल फैक्टर से पता लगेगा। तो दैट इज़ अ ब्यूटी ऑफ एरहीनियस इक्वेशन। द एक्टिवेशन एनर्जी ई ए रिप्रेजेंट द मिनिमम एनर्जी दैट द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट पोजेस बिफोर अंडरगोइंग रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी उस मिनिमम एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है जो हमारे पास रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास होनी ही चाहिए ताकि वो रिएक्शंस को जो है वो कैरी आउट करवा सके। एक्टिवेशन एनर्जी कांट बी मेजर डायरेक्टली बट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग एरहीनियस इक्वेशन एज फॉलोस। एक्टिवेशन एनर्जी को हम किसी डिवाइस से, किसी इंस्ट्रूमेंट से डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, बल्कि इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग एरहीनियस इक्वेशन। इस इक्वेशन को यूज़ करके हम ई ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ मैथमेटिक्स फॉलो करना होगा, मैथमेटिकल स्टेप्स फॉलो करने होंगे, तब जाके आप ई ए की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर पाएंगे बाय यूजिंग एरहीनियस इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, वो मैथमेटिकल स्टेप्स क्या रहने वाले हैं और कैसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग एरहीनियस इक्वेशन, ये सब कुछ हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि कैसे हम एरहीनियस इक्वेशन का यूज़ करके एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, एरहीनियस इक्वेशन थी। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन वन, दोनों तरफ हम लॉग लेंगे, तो हम यहाँ पर नेचुरल लॉग लेंगे एल एन के इज इक्वल टू एल एन ब्रैकेट स्टार्ट ए की पावर माइनस ए बाय आर टी।
तो यहाँ पर दो टर्म्स हैं, एक a है एक एक्सपोनेंशियल टर्म है। तो हमें पता है लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग m इंटू n, क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास लॉग लॉग m प्लस लॉग n। तो इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, तो आप इसको ऐसे ही लिखेंगे, लॉग a अलग लिख दिया प्लस लॉग e की पावर माइनस a बाय rt जो है वो हमने अलग से लिख दिया इस तरह से। अब एक प्रॉपर्टी और होती है लॉग की, वो क्या होती है, लॉग m की पावर n क्या होता है हमारे पास, n लॉग m होता है। तो यहाँ पर जो पावर है माइनस ए बाय आर टी वो आगे आ जाएगी यहाँ पर, तो आप लिखेंगे नेचुरल लॉग a, ये माइनस ए बाय आर टी यहाँ पर आएगा आगे, तो ये साइन माइनस का हो जाएगा, माइनस ए बाय आर टी, और ये बन जाएगा हमारे पास लॉग e। बट लॉग e की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो 1 होती है, तो इसकी जगह 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी नेचुरल लॉग k, नेचुरल लॉग a माइनस ए बाय आर टी। तो स्टूडेंट्स इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो अब आगे क्या लिखेंगे, लेट K1 एंड K2 आर द रेट कॉन्स्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली। हमने मान लिया कि एक रिएक्शन का जो रेट कॉन्स्टेंट है T1 टेम्परेचर पर वो K1 है, और उसी रिएक्शन का टेम्परेचर T2 पर जो रेट कॉन्स्टेंट होगा वो K2 होगा, दोनों टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर डिफरेंट है। तो दोनों टेम्परेचर्स के लिए इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, पहले टेम्परेचर के लिए जो रेट कॉन्स्टेंट है वो K1 है, तो यहाँ पर T1 और K1 पुट करेंगे, तो यहाँ पर आएगा ln K1, ये जो ये टर्म तो कांस्टेंट है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, और यहाँ पर ये भी कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, टी की जगह आ जाएगा T1, इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 3। तो टेम्परेचर T2 के लिए जो रेट कांस्टेंट है वो है K2 इज इक्वल टू ln a ea बाय RT2, ये आ गया हमारे पास, ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन को फोर्थ इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आप लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 4 वी गेट, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपको मिलेगा ln K2, इसमें से ये टर्म माइनस करेंगे, ln K1 इज इक्वल टू, पहले हम ये लिखेंगे फिर माइनस ये लिखेंगे, ln a माइनस ea बाय RT2 ब्रैकेट में, उसके बाद ln a माइनस ea बाय RT1। तो स्टूडेंट्स जब आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन जो है वो प्लस का हो जाएगा, अब हम ब्रैकेट हटा देते हैं यहाँ से, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये साइन जो है वो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, और इस टर्म से ये टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा ln, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम, यहाँ पर ln m माइनस ln n जो होता है हमारे पास वो होता है हमारे पास ln m अपॉन n, तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इस जगह पर, तो आपको मिलेगा ln k2 बाय k1 इज इक्वल टू माइनस ea बाय RT2 प्लस ea बाय RT1। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन और करनी बाकी है, वो हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, देखिए स्टूडेंट्स अगर हम इस टर्म को आगे लिखें और इस टर्म को पीछे लिखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर T1 आ जाएगा और ये साइन प्लस का है यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा T2, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक तो आप यहाँ से ए बाय आर जो है वो कॉमन लेंगे, अंदर आ जाएगा हमारे पास 1/T1 माइनस 1/T2, और यहाँ पर नेचुरल लॉग को आप लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे, आपको पता है नेचुरल लॉग एक्स को अगर हमें लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना हो, लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना हो एक्स को, तो यहाँ पर 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस तरह से आप नेचुरल लॉग एक्स को लॉग बेस 10 एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 2.303। तो इसी तरह से इसको भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2.303 से, और ये लॉग बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास अब आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है, एलसीएम आ जाएगा T1 T2 ऊपर चला जाएगा T2 - T1, और यहाँ से 2.303 को आप नीचे ले जाएंगे तो आपके पास लॉग बेस 10 K2 / K1 आ जाएगा ए बाय 2.303 R T2 - T1 T1 T2। तो स्टूडेंट्स अगर आपको T1
T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K1 पता हो, टेम्परेचर T2 पता हो जिस पर हमारा रेट कांस्टेंट है K2, तो इन सभी की वैल्यूज़ T1 T2 की K1 K2 की वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे। R तो हमारे पास गैस कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, तो इन सभी की वैल्यूज़ पुट करके आप यहाँ से बड़ी आसानी से एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, EA को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे दस नोइंग द वैल्यूज ऑफ रेट कॉन्स्टेंट्स K1 एंड K2 एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 एंड T2 द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी EA कैन बी कैलकुलेटेड। तो अगर आपको टेम्परेचर T1 पर रेट कॉन्स्टेंट पता है, टेम्परेचर T2 पर रेट कॉन्स्टेंट K2 पता है, R तो गैस कॉन्स्टेंट है ही है, तो सबकी वैल्यूज पुट करके आप यहाँ से EA की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो एक मेथड हो गया एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड आउट करने का। एक और मेथड है एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड आउट करने का, वो है ग्राफिकल मेथड। आइए उसको भी देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 से हमारे पास था नेचुरल लॉग K इज इक्वल टू नेचुरल लॉग A माइनस EA बाय RT। इस नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कीजिए, तो आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा, लॉग बेस 10 K हो जाएगा ये। इस नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये बन जाएगा 2.303 लॉग बेस 10 A माइनस EA बाय RT, ऐसी रहेगा। अगर हम हर एक टर्म को 2.303 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 2.303 से डिवाइड कर दिया, इसको 2.303 से डिवाइड कर दिया, इसको 2.303 से डिवाइड कर दिया, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचेगा लॉग बेस 10 के इज इक्वल टू लॉग बेस 10 ए माइनस ए बाय 2.303 आर 1 बाय टी। इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, तो इसको आगे लिख लीजिए, इस टर्म को पीछे लिख दीजिए, तो ये बनेगा लॉग बेस 10 के इज इक्वल टू माइनस ए बाय 2.303 आर मल्टीप्लाई 1 बाय टी प्लस लॉग बेस 10 ए। तो स्टूडेंट्स इसके बाद 2-3 स्टेप्स और बचे हैं, वो हम खत्म करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, तो अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो ये इक्वेशन जो है वो इस प्रकार की है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, जो कि एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। द अबव इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c विच द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर y लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है ये टर्म, तो y हो जाएगा हमारे पास log बेस 10k, और यहाँ पर हमारे पास x है और यहाँ पर जो हमारी x की जगह लिखा हुआ है वो है 1 बाय टी, तो x हो जाएगा 1 बाय टी। तो यहाँ पर अगर हम y इंटरसेप्ट की बात करें जो कि हमारा c है, वो यहाँ पर है log 10 a, तो यहाँ पर आप लिखेंगे y इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू log बेस 10 a, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर स्लोप की बात करें, स्लोप m की बात करें, तो स्लोप m होगा हमारे पास ये वाली टर्म, तो आप यहाँ पर लिखेंगे स्लोप m इज इक्वल टू माइनस ए बाय 2.303 r। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें लॉग बेस 10 के और 1 बाय टी के बीच में, लॉग बेस 10 के जो है वो y एक्सिस पे आएगा, तो यहाँ पर होगा आपका लॉग बेस 10 के, यहाँ पर होगा इस तरह से इधर, और जो आपका टेम्परेचर होगा 1 बाय टी जो है वो x एक्सिस के ऊपर होगा इस तरह से। यहाँ पर स्लोप जो है वो नेगेटिव स्लोप है, तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन तो होगी, बट स्ट्रेट लाइन इक्वेशन विद नेगेटिव स्लोप को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये होगी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जिसका स्लोप होगा हमारे पास, इसका माइनस ए बाय 2.303 r, और यहाँ पर जो इसका y इंटरसेप्ट है मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास log बेस 10 a, ये होगा हमारा y इंटरसेप्ट। तो अगर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस a इज इक्वल टू 2.303 मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई स्लोप। इस माइनस साइन को आप इधर शिफ्ट कर दीजिए तो ये आ गया हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर आप इस ग्राफ का स्लोप निकाल लें और गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो आप बड़ी आसानी से एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर यही लाइन लिखेंगे बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ स्लोप एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट आर एक्टिवेशन एनर्जी ईए कैन बी कैलकुलेटेड। तो इस ग्राफ का स्लोप निकाल के जो कि ग्राफ है हमारे पास लॉग बेस 10 के और 1 बाय टी के बीच में, उसका स्लोप निकाल लिए, यहाँ पर गैस कांस्टेंट की वैल्यू पुट कीजिए, उसे माइनस 2.303 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो
आपकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो निकल आएगी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज अर्हेनियस इक्वेशन। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिकल काइनेटिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।